की इस कक्षा में हम दशमलव पाठ के प्रश्नावली 6.3 को हल करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए, और ये तीन चिन्ह दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके इन प्रश्नों में जो बॉक्स है उसे भरना है। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है 1.709 और 1.79, इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन बड़ी है, कौन छोटी है, अथवा दोनों बराबर है। आइए इसे चेक करते हैं, जो शॉर्टकट हमारा तरीका है। सबसे पहले हम दोनों संख्याओं के पूर्ण संख्या को देखते हैं, जो पूर्ण संख्या वाला भाग है। यहाँ एक है और यहाँ भी एक है। अब हम दसवें हिस्से या दसवें भाग कहें या दशांश कहें उसे चेक करते हैं। यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो ये भी बराबर है। अब हम शतांश यानी सौवें भाग को देखते हैं, तो यहाँ 0 है और यहाँ 9 है, अर्थात ये संख्या बड़ी है। तो इसमें हम इस तरह का चिन्ह देंगे, ऐसे। इस चिन्ह को ध्यान से देखें तो ये तीर वाला निशान है, तीर उसके सामने जो संख्या होती है वो छोटी होती है, और इन दोनों के बीच के सामने जो संख्या होती है वो बड़ी होती है। तो इसे हम इस तरह से पढ़ते हैं, 1.709 छोटी है और 1.79 बड़ी है, या हम इसे इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, 1.79 से छोटी है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, यहाँ जो पूर्ण संख्या है 18 और यहाँ भी 18, तो ये तो बराबर हो गई। अब हम दशांश देखते हैं, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, अर्थात ये जो संख्या है इस संख्या से बड़ी है, तो हम यहाँ फिर इसी तरह का चिन्ह देंगे। तीसरे नंबर में देखते हैं, यहाँ पूर्ण संख्या 32 है, यहाँ भी 32 है, दशांश यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, अर्थात ये जो है 32.80 ये बड़ी है, तो यहाँ फिर हम इस तरह का चिन्ह देंगे। चौथा नंबर देखते हैं, यहाँ भी पूर्ण संख्या 2 है, यहाँ 2 है, ये दोनों बराबर हो गए। अब दशांश देखते हैं, यहाँ 3 है और यहाँ 0 है, अर्थात ये वाली संख्या 2.36 बड़ी रहेगी, बड़ी होगी, तो ये चिन्ह देंगे हम। अब यहाँ देख रहे हैं, ये जो पूर्ण संख्या है 21 है, यहाँ भी 21 है, उसके बाद दशांश यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, शतांश यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अर्थात ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। अब प्रश्न संख्या 2 देख रहे हैं, आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम का अर्थ ये होता है कि छोटे से बड़े की ओर, यानी असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम मैं यहीं पर लिख रहा हूं, आरोही क्रम, इसमें छोटे से बड़े की ओर जाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले हम लिखेंगे। तो यहां हम देखते हैं, सबसे पहले पूर्ण संख्या जो भाग है, संख्या के जो पूर्ण संख्या का जो भाग है वो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, ये साफ हमें पता चल रहा है कि ये वाली संख्या छोटी होगी, 0.3। तो सबसे छोटी संख्या हमारी मिल गई है 0.3। इसके बाद हमने देखा था, इससे बड़ी थी ये वाली 2.3। तो इसे हमने लिख लिया है, तो एक चिन्ह पेंसिल से लगा देते हैं ताकि हमें दिक्कत नहीं हो, ये 2 हमने लिख लिया। अब ये 3 बच गया, 3.1, 3.01 और 3.05, इन तीनों में हमें देखना है कि कौन सबसे छोटी है। तो यहाँ तो पूर्ण में, पूर्ण संख्या वाले भाग में यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो अब हम दशांश देखते हैं, तो यहाँ 1 है और यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, तो जो ये जो 1 है 3.1, इसका मतलब ये तो सबसे बड़ी हो जाएगी, तो हम इन दोनों को देखेंगे। फिर से देखते हैं, यहाँ 3 है पूर्ण संख्या में, यहाँ 3 है, उसके बाद दशांश में यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ये भी बराबर हो गई। अब शतांश देखते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, अर्थात इन दोनों में ये छोटी है, तो इसके बाद हमारा आएगा 3.01
और इसके बाद ये वाली आ जाएगी 3.05, और हमने देखा था ये सबसे बड़ी थी 3.1। अब चलिए अब हम दूसरा नंबर प्रश्न देख रहे हैं, दूसरा का दूसरा, इसे भी हम आरोही क्रम में सजा रहे हैं, आरोही क्रम। अब इन पांच संख्याओं में देखते हैं सबसे छोटी कौन सी है। तो फिर उसी तरह से हम पूर्ण संख्या वाले भाग को देखते हैं, यहां 3, यहां 4, यहां 3, यहां 4, यहां 2, यानी ये वाली संख्या 2.05 सबसे छोटी है। तो यहां लिखते हैं 2.05। अब यहां पर दो संख्या देख रहे हैं जिसमें पूर्ण संख्या 3 है और 2 देख रहे हैं ये 4 है। तो हम ये 3 वाले जो पूर्ण संख्या वाले हैं इन दोनों की तुलना करेंगे। यहां 3 पूर्ण संख्या है, यहां भी 3 है, उसके बाद दशांश यहां 1 है और यहां 0 है, यानी ये वाली संख्या 3.04 छोटी होगी। तो हम इसे लिखेंगे इसके बाद 3.04, और इसके बाद ये वाली आ जाएगी 3.14। अब इन दोनों को देखते हैं 4.12 और 4.03। तो यहां पूर्ण संख्या वाले भाग में यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। अब दशांश में देख रहे हैं यहां 1 है, यहां 0 है, अर्थात ये जो संख्या है 4.03 ये छोटी है, 4.03, और इसके बाद है 4.12। तो ये हमारा आरोही क्रम हो गया। प्रश्न संख्या 3, कौन बड़ा है। आइए एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है 2.04 या 2.4। तो इससे पहले जैसे जिस तरह से हमने तुलना किया था, इसमें फिर तुलना करते हैं। ये जो पूर्ण संख्या वाला भाग है यहां 2 है, यहां भी 2 है, चलिए इस क्राइटेरिया पर तो बराबर है। दशांश देखते हैं यहां 0 है और यहां 4 है, अर्थात ये संख्या हमारी बड़ी है। अब इसमें देखते हैं यहां 3 है पूर्ण संख्या में, यहां भी 3 है, दशांश में यहां 4 है और यहां भी 4 है, इसमें तो बराबर है। तो अब शतांश देखेंगे तो यहां शतांश कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहां क्या है 0 है और यहां क्या है 4 है, अर्थात ये संख्या बड़ी होगी। अब तीसरा नंबर देख रहे हैं, यहां पूर्ण संख्या वाले भाग में यहां 4 है और यहां 45 है, ये तो स्पष्ट ये वाली संख्या बड़ी है। अब चौथे नंबर में देख रहे हैं, यहां पूर्ण संख्या वाले भाग में 1 है और यहां 10 है, अर्थात ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आता है कि ये संख्या बड़ी है। ये मैंने हिंट दे दिया है, इसे आप स्वयं से लिखेंगे कि ये संख्या बड़ी है, इस तरह से लिखेंगे बड़ी, या तो बड़ी लिखेंगे इस तरह से, मैं लिख देता हूं एक उदाहरण, बड़ी संख्या बराबर 2.4, इसी तरह सभी में लिखेंगे, ये प्रश्न नंबर 1 का हो गया। अब चौथा नंबर प्रश्न है कौन छोटा है, ठीक इसी तरह से हम ये तय करेंगे कि कौन छोटा है। यहां पूर्ण संख्या में 3 है, यहां भी 3 है, यहां दशांश 0 है और यहां दशांश 3 है, अर्थात ये वाली संख्या हमारी छोटी है। यहां पूर्ण संख्या वाले भाग में 7 है, यहां भी 7 है, यहां दशांश में 4 है और यहां 5 है, अर्थात ये संख्या हमारी छोटी है। यहां देख रहे हैं ये 14 है, यहां भी 14 है, उसके बाद दशांश में आते हैं तो ये 0 है और यहां 8 है, अर्थात ये संख्या छोटी है। और यहां 6 है, ये भी 6 है, और दशांश में यहां 0 है और यहां 8 है, अर्थात ये संख्या छोटी है। इसे भी आप जिस तरह से मैंने तीसरे वाले प्रश्न में इस तरह से लिखा था, यहां आप खुद से लिखेंगे।